हरियाणा चुनाव में धांधली के कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सभी आरोपों और सवालों का जवाब दिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए थे। ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर बूथों पर वोट नहीं डालने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। अब चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में कांग्रेस के एक एक आरोप का जवाब दिया है। साफ कहा गया है कि जिस तरह से आधारहीन आरोप लगाए गए उससे अराजकता फैलने का डर है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में 26 शिकायतें की थी। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को वोटिंग और काउंटिंग जैसे संवेदनशील समय पर इस तरह से सनसनीखेज आरोप लगाने को लेकर आगाह भी किया। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता का कारण बन सकते हैं। चुनाव आयोग का जवाब आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेकर चलती है। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। कांग्रेस को चुनाव आयोग का जवाब मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग आखिर ईवीएम की वकालत क्यों करती है, तो कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने भी जवाब दिया। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं। और मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इतनी तर्जमानी क्यों करता है, इतनी वकालत क्यों करता है। हरियाणा में जो हुआ है उससे बची कुछ ही जो विश्वसनीयता है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो भी समाप्त हो गई है। कांग्रेस एक विचारहीन, नीतिहीन, नेतृत्वहीन, नीयतहीन डूबता हुआ जहाज है। वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फेंकते, चुनाव आयोग पर फेंकते। अगर कर्नाटका में जीत जाए, हिमाचल में जीत जाए, तेलंगाना में जीत जाए, तो उन्हें ईवीएम याद नहीं आती। अपने विवेकहीन युवराज की महापरिक्रमा के अंदर ही पूरी पार्टी डूबी है। और आज 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी अहंकार सर पर बोल रहा है